अब दोबारा रिकॉल करना, अभी तक आपने ज्योतिष में जो भी पढ़ा है, जहां पे चंद्रमा की इंपॉर्टेंस देते हैं ना, अब आप इस एंगल में सोचो जैसे मैं बता रहा हूँ, तो सीक्वेंस आप समझो, कोई भी इवेंट आप निकालोगे ना, आपको यही सीक्वेंस में आपको सोचना है, तो आपको समझ में आएगा यार चंद्रमा का इंपॉर्टेंस, लग्न का इंपॉर्टेंस, डिविजनल चार्ट का इंपॉर्टेंस, तीनों कलेक्टिवली काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चंद्रमा को इंपॉर्टेंस, एक इंपॉर्टेंस एटलीस्ट समझ में आए कि हाँ ये पक्ष वाला ऐसी कुछ चीज होती है जिसको जैसे हम बोलते हैं। पर आज मैं आपको ना एक और हम लोग बहुत बुनियादी फर्क आप लोग समझ जाओ आज, जिसकी वजह से पूरा बेस है जो आज हम बाकी दिन हम जो कोर्स करेंगे उसका पूरा बेस रहेगा। तो आप लोगों ने प्रश्न तंत्र का नाम सुना है, प्रश्न तंत्र, प्रश्न तंत्र एक क्लासिकल बुक है, बहुत प्राचीन, बहुत ऑथेंटिक, जो प्रश्न के ऊपर बेस्ड है, प्रश्न ज्योतिष है ना। अगर आपको ताजिक पढ़ना है, ताजिक, तो बिना प्रश्न तंत्र के ताजिक सब्जेक्ट में कभी मास्टरी नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो प्रश्न तंत्र बुक जरूर पढ़ें जो प्रश्न में इंटरेस्टेड है। उस प्रश्न तंत्र में एक श्लोक है, ठीक है, उस श्लोक में बोलते हैं कि चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा को हम लोग बोलते हैं सीड, चंद्रमा है बीज, जो बोला गया है चंद्रमा को बीज, ठीक है। लग्न को बोला गया है फ्लावर, पुष्प, चंद्रमा बीज स्वरूप है, लग्न जो होता है वो पुष्प स्वरूप है, ठीक है। नवमांश जो होता है, नवमांश लग्न, उसको हमने बोला फ्रूट, फल, और जो भाव जिसको हम बोलते हैं हाउसेस, उसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट, उस फल का क्या टेस्ट होगा वो आपको कौन देगा, भाव, ठीक है। ये प्रश्न तंत्र में ये आपको श्लोक बड़ा क्लियर कट मिलता है, नोट कर लेना आप लोग प्रश्न तंत्र रेफरेंस। ये अगर ये कॉन्सेप्ट आज आपको समझ में आ गया ना, आपके बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कब आपको लग्न यूज करना है, कब चंद्रमा यूज करना है, कब हाउस को कैसे यूज करना है। चंद्रमा हो गया आपका बीज, लग्न हो गया पुष्प, नवमांश हो गया आपका फ्रूट यानी फल, और उसका टेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा भाव के साथ, ठीक है। ये है प्रश्न तंत्र का वचन, ठीक है, ठीक है। अकेला प्रश्न तंत्र नहीं है, एक ना ज्योतिषार करके भी हमारे पास एक लघु ग्रंथ है ज्योतिषार, ठीक है। तो इसमें भी बोला गया, इसमें लग्न को उन्होंने बोला जीव, लग्न को जीव बोला या प्राण बोला, ठीक है, प्राण और जीव वो लग्न को उसका उन्होंने बोला, चंद्रमा को बोला मन, जो कि हम सबको पता है, ठीक है। तिथि, नक्षत्र, जितने भी पंचांग के सारे अंग हो गए, इसको बोला उन्होंने शरीर, समझ रहे, थोड़ा सा ट्विस्ट है इस पूरे स्टेटमेंट में, वहां वहां स्टेटमेंट तो बड़ा क्लियर था, इसमें उन्होंने क्या बोला, इसमें उन्होंने बोला कि लग्न हो गया आपका जीव और प्राण, चंद्रमा हो गया मन, और पंचांग जो है, पंचांग के जितने भी आपके अंग होते हैं उसको उन्होंने बोला बॉडी। ये है ज्योतिष और का स्टेटमेंट। एक और हमारे पास बुक है भुवन दीपक, इसके ऊपर एक लग्न फ्रूट करके एक वीडियो है ऑलरेडी यूट्यूब पे हमारा, ठीक है। तो ये भुवन दीपक भी सेम स्टेटमेंट देता है, भुवन दीपक के ऑथर ये बोलते हैं कि चंद्रमा को उन्होंने भी बीज बोला, बीज, लग्न को बोला फ्लावर पुष्प, नवमांश को बोला फ्रूट, और बाकी 12 उसको उन्होंने बोले टेस्ट, सेम वही स्टेटमेंट जो प्रश्न तंत्र में है। ये है भुवन दीपक, जिस बुक का नाम अभी मैं बता रहा हूँ वो है भुवन दीपक, BHUVAN, भुवन दीपक, ये प्रश्न की बुक है, बहुत प्यारी सी बुक है, छोटी सी बुक है, बहुत क्रिस्टल क्लियर सूत्र भी है, इसके ऊपर बुक रिव्यू भी है मेरा, आप नेट पर टाइप करोगे भुवन दीपक विनायक भट्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। 2 घंटे का बुक रिव्यू है, उस बुक में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा डिटेल में वो भी आप लोग ले सकते हैं, उसका भी है, ठीक है। देखो, और गर्ग ऋषि, गर्ग ऋषि का भी नाम आपने सुना होगा, ठीक है। गर्ग ऋषि, नारद, कश्यप और आचार्य लल्ल, LALLA लल्ल बोलते हैं, ये भी आचार्य है, आचार्य लल्ल, गर्ग ऋषि, नारद, कश्यप, इन्होंने कभी भी तिथि, नक्षत्र और योग को इम्पोर्टेंस नहीं दिया,
ठीक है, बट उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया चंद्रमा और लग्न को। ध्यान देना, नारद, कश्यप और ये गर्ग ऋषि वो ऋषि हैं जो जिनके सबसे पुरानी बुक्स मिलती है ज्योतिष। इन लोगों ने कभी पंचांग, तिथि, नक्षत्र इन सबको इंपॉर्टेंस नहीं दिया। नक्षत्र की उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं करी है, बट इंपॉर्टेंस की बात आती है तो उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया लग्न और चंद्रमा को। ठीक है, तो अभी वो अभी ये हम ये मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जस्ट हमने फिलोसॉफिकल एंगल में समझा चंद्रमा ऐसा है वैसा है, ठीक है, हमने बात करी सब कुछ, बट यहाँ पर शास्त्र क्या बोलता है ये बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं चंद्रमा जो है ना बीज है। ठीक है, बीज बीज क्या होता है? बीज, अगर आपको मैं कोई बीज दूं, मैं आपसे बोलूं मुझे बीज हाथ में पकड़ के रखो और मुझे बताओ कि इसमें से क्या निकलने वाला है, इसमें से आम का पेड़ निकलेगा कि एप्पल सेब निकलने वाला है, ऑरेंज निकलेगा, क्या निकलेगा, बता दोगे आप में से कोई बीज को देख के? चलो आम का बीज तो आसान है बनाना, ठीक है, बहुत मतलब गलत में लगता है, मैं गलत पूछ रहा हूँ, बट अगर मैं आपको ऐसे बीज दे दूँ, बहुत छोटे छोटे बीज सारे के दिखने, बड़ा बता दो कि इस बीज में से एग्जैक्टली क्या निकलने वाला है, किसमें आगे फल निकलेंगे नहीं निकलेंगे। अगर आम की गुठली में आपको बीज दूँ और बोलूँ कि मुझे बताओ कि इसमें से जो आम निकलेंगे सच में आम निकलेंगे, कैसे आम निकलेंगे, क्या ये बीज आपको बता पाएगा कि इसकी डेस्टिनी क्या होने वाली है आगे, क्या ये अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा? आप बीज देख के डिसाइड कर सकते हो ये कि आगे जाके इसमें फल लगेंगे नहीं लगेंगे? नहीं बता सकते, ठीक है, नहीं बता सकते। उस बीज का जो पूरा जो एनर्जी है ना, जो पूरी बीज की जो क्या बोलते हैं, जो ताकत, जो भविष्य के लिए सारी संभावना उस बीज के अंदर है, उस बीज के अंदर खोखलापन होता है, होलोनेस है ना, वो जो खोखले, वो जो उसके अंदर एम्प्टी स्पेस है ना, उसके अंदर है सारी ऊर्जा, वो भविष्य का निर्माता है उस बीज का, उससे भविष्य निकलने वाला है। चंद्रमा वो है, ठीक है, चंद्रमा वो एनर्जी है जो भविष्य निर्माण करेगी आपका, बट उसके अंदर क्या छुपा है ये नहीं पता किसी को, आपके भविष्य में क्या ये नहीं पता, बट इसे जाना जा सकता है, ज्योतिष यही माध्यम है। इसीलिए आप ध्यान देना, कभी भी कोई ऋषि से बात करेगा ना, हमेशा रेफरेंस टू चंद्रमा, सुदर्शन चक्र, चंद्रमा इंपॉर्टेंट, वहां सूर्य भी इंपॉर्टेंट है, सूर्य के लिए कभी और बात करेंगे, बट अभी चंद्रमा हमारा टॉपिक है। तो आज आपको समझ में आना चाहिए कि चंद्रमा उन्होंने क्यों एक पॉइंट आउट किया, लग्न भी उसमें इंपॉर्टेंस दिया उन्होंने, सुदर्शन चक्र पद्धति में सूर्य चंद्र लग्न तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट बोलता है चंद्रमा है बीज, ठीक है, बीज से क्या बनेगा, बीज से हमें मिलता है पुष्प, पहले फ्लावर, प्रोसेस यही है ना, पहले बीज पौधा होगा, पौधे में फ्लावर बनेंगे, ठीक है, पुष्प आएंगे, उस पुष्प से फिर बनेगा फ्रूट, उस फ्रूट का टेस्ट होगा अपना, फिर वही फ्रूट दोबारा बीज बन जाएगा, अपने सोर्स से दोबारा मिल जाएगा, पूरा साइकिल है, ठीक है। तो उन्होंने बोला चंद्रमा जो है ना वो सोर्स है, उसके अंदर सारा भविष्य छुपा है, इसलिए हम बोल, इसलिए हर जगह बोल रहे हैं कि सीड, सीड, चंद्रमा को सीड समझे। तो कोई भी गणना जब चंद्रमा के थ्रू करते हो तो ध्यान देना कि वहां पर आप ये निश्चित कर रहे हो कि वहां से जो भविष्य निकलने वाला है वो चंद्रमा उसका बीज हो। तो इसलिए मैच मेकिंग में जब भी आप लोग चंद्रमा के बेसिस पे सारे जो गुण दिलाने का सिस्टम जो बनाया गया था ना, वो सोर्स को कंसिडर करके बनाया जा रहा है, वो बीज को कंसिडर कर रहा है, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप जो स्टार्ट होगा ना वो एक फ्रेश है, वो बिल्कुल नया है, वो एक नया आपका अध्याय स्टार्ट होगा। तो वो बीज को, वो लोग बीज पे काम कर रहे हैं, वो उस रूप पे काम करते हैं, वो सोर्स पे काम कर रहे हैं। वेद की जितनी भी विद्याएं होंगे ना वो हमेशा सोर्स पे काम करती है, वो ब्रांचेस पे काम नहीं करेंगे। आपके लाइफ में कोई समस्या है, आपके पास पैसा नहीं है, तो वो प्रॉब्लम पे काम नहीं करेगा कभी, वैदिक नॉलेज जो होगी ना वो कभी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व नहीं करता, नहीं, वो कहता है प्रॉब्लम को छोड़ो, आप बेस पे जाओ। ज्योतिष भी यही काम करता है, ज्योतिष कहता है पहले उस बेस को आप लोग संभालो, पहले उस रूप को संभालो, वो है कौन, वो सी है।
वो बीज रूपी चंद्रमा। तो चंद्रमा को फिर हमने फोकस किया, चंद्रमा के बेसिस पर हमने सारी गणना शुरू करी। मुहूर्त होता है, मुहूर्त में चंद्रमा को इंपॉर्टेंस है मुहूर्त की, कोई भी मुहूर्त बिना चंद्रमा को कंसिडर करे आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जो एक्टिविटी आप करोगे आज उसका भविष्य क्या बनने वाला है वो किसके अंदर छुपा हुआ है, उस बीज के अंदर। ठीक है, अभी एक हो गया हमारे पास बीज, ठीक है, बीज से वो पौधा बना, पौधे में निकले फ्लावर। फ्लावर कौन है? लग्न ना, लग्न है। और फ्लावर के बाद क्या बनता है? फ्रूट। फ्रूट कौन है यहाँ पर? नोमांश। ठीक है, आप समझना कि उस बीज से फ्रूट बनने के बीच में कौन है? यहाँ पर लग्न है। अगर मैं लग्न को यहां से हटा दूं, फ्लावर ही ना बने, तो फ्रूट बन जाएगा? नहीं बनता। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ना, जो फ्रूट बन रहा है, ध्यान देना कि ये भले ही इसमें नौमांश का जिक्र करा गया, अंश का जिक्र करा गया, बट ये आपको एक ना नई चीज, आपको एक नई अंडरस्टैंडिंग देगा। वो ये कि जितने भी वर्ग हैं वो सब फ्रूट है, सिर्फ नौमांश फ्रूट नहीं है, सारे वर्ग फ्रूट है, सारे वर्गांश फ्रूट है। पर वो किसका फ्रूट है वो डिपेंड करता है, उसका फ्रूट कैसे बनने वाला है। एक ही पेड़ में अलग अलग टेस्ट के फ्रूट हो सकते हैं? पॉसिबल है? अलग अलग मतलब एक आम खट्टा एक आम मीठा तो हो ही सकता है ना। मतलब ये नहीं कह रहे कि एक ही पेड़ से आम अमरूद दोनों निकलेंगे, मैं कहता हूं कि एक पेड़ में अगर आम का पेड़ है उसमें खट्टा मीठा दोनों बनते हैं, है ना। यही वो वर्ग है, यही वो डिविजन, इसको बोलते हैं ना क्या, डिविजनल चार्ट। डिविजनल चार्ट बोलना गलत है, ये डिविजन है बस। नवांश, दशांश, त्रिंशांश, ये जो अंश जो बन रहे हैं ना, ये वो फ्रूट है। एक पौधे में एक वो फूल तो बना, उसका जो फल बना है ना, वो फल हो सकता है आपके लिए टेस्टलेस भी हो, खट्टा भी हो, मीठा भी हो, है नहीं। तो अब इन वो फ्रूट बनने तक की जर्नी है, इसके बीच में कौन है? यहाँ पर हमारे पास सीड भी है चंद्रमा और एक लग्न भी है। फ्रूट बन गया, अब उसका टेस्ट कैसे मिलेगा वो बताएंगे भाव, वो हाउसेस, वो हाउस वो डिसाइड कर रहे हैं। तो ये आपके पूरे ज्योतिष का ना क्रक्स है। अगर आपको ये पूरी साइकिल समझ में आ गई तो आज के दर्शन के बाद ना आपको वो सिंक भी समझ में आएगा कि ज्योतिष में चंद्रमा, लग्न और डिविजन्स, वर्ग, और साथ में इनके साथ भाव, हाउसेस, इसको कैसे सिंक में हमको चलाना है। जिस दिन आपके माइंड में ना ये पूरी पिक्चर सेट हो गई तो कोई भी इवेंट आप आसानी से बता सकते। पर प्रॉब्लम ये है कि जब आप लोग पढ़ते हो ना तो आप लोग टुकड़ों में पढ़ते हैं। अरे टुकड़ों में पढ़ते क्या है कि वो सिखाने का तरीका है ना, वो ऑब्वियसली बात है हमको टुकड़ों में सिखाना पड़ता है, बट ये आपको ना आपको जोड़ना आना चाहिए। ये रोए इसीलिए आप जब मैरिज हम लोग देखते हैं, मैरिज के हम बात करेंगे, तो उसका सीड कौन है, वो सीड कहाँ से बनेगा, वो सीड, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा ध्यान से समझना इसको, ठीक है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन एक क्लास में नहीं होगा, ये आपको एक्सपीरियंस चाहिए, या आपको रिसर्च अपने लेवल पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा इसको पूरा अप्लाई करने की। कोई भी इवेंट जब आप देखते हो उसका सीड पहला समझो। हमारा कॉन्टेक्स्ट आज हम लोग मैरिज की बात कर रहे हैं, तो मैरिज हो गया आपका सेवेंथ हाउस। चंद्रमा से सेवेंथ हाउस जो होगा ना वो बीज है उस रिलेशनशिप, उस मैरिज का। अब वो खाली बीज है बस, कोई डिसाइडेड नहीं है कुछ भी अभी क्या इससे आगे बनने वाला है, पर बीज है। चंद्रमा से सेवेंथ हाउस के अगर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया, अब बीज ही गड़बड़ है तो फिर आगे क्या निकलेगा, क्या बनेगा, कोई गारंटी कुछ नहीं, मैरिज नहीं होगी, होगी टिके की होगी, मतलब दो दिन में डिवोर्स, तीन दिन में सेपरेट हो गए, ये स्थिति आती है चंद्रमा के सेवेंथ हाउस में रिफ्लेक्टेड होता है, क्योंकि बीज है।
ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट टाइम चंद्रमा से संबंध आपने देखा, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो लग्न से संबंध, लग्न से संबंध आपको क्या बता रहा है, फ्लावर, मतलब बीज था वो फ्लावर बनने का लग्न से संबंध। तो आप जो ज्योतिष में जो आप लोग यूज कर रहे हो ना, वो आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है फ्लावर्स के साथ। आपने सीड देखा ही नहीं है, चंद्रमा से संबंध आपने इग्नोर किया, अब डायरेक्ट गए फ्लावर के ऊपर। लग्न से संबंध हाउस आपने देख लिया, मान के चलो लग्न से संबंध आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है, कुंडली बहुत अच्छा प्लेस्ड है, बट वहां से सीड ही गड़बड़ है। अब आप वेट करते रहोगे कि यार योग आ रहे हैं जा रहे हैं, दशा चल रही है नहीं चल रही है, मैरिज ही नहीं होगी, क्यों, सीड में ही नहीं था कुछ, बीज ही गड़बड़ है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी बनती है ये। तो अच्छा ठीक है, सीड भी अच्छा निकला, लग्न से सेवन पुष्प भी अच्छे बन गए। अब क्या नेक्स्ट स्टेप, नवांश, लग्न से सप्तम, सप्तमेश जो है सेवंथ लॉर्ड, वो आप देखो नवमांश में कैसा है, वो है फ्रूट। मैं दोबारा क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि नवमांश कुंडली में सेवंथ हाउस देखो, नहीं, मैं बहुत क्लियर हूं, मैं कह रहा हूं कि सेवंथ जो लॉर्ड है आपकी कुंडली का, सप्तमेश जो है आपकी जन्म कुंडली का, उसकी स्थिति देखनी है नवमांश के अंदर। ठीक है, वो है आपका फ्रूट, बैठ गया कहीं पर, मान के चलते हैं कि वो अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, डेबिलिटेशन में चला गया, एनिमी साइन में चला गया, एनिमी के साथ बैठ गया। अब हुआ क्या कि सीड अच्छा है, फ्लावर भी बन गए, बट फ्रूट नहीं है, फ्रूट में कीड़े लगे हुए हैं। ठीक है, मैरिज हो गई, सब हो गया, बट मैरिज का फ्रूट क्या मना, डिसहार्मनी चल रही है, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं अलग अलग रूम में, कोई आपस में कोरिलेशन नहीं है, इन लॉ के साथ अच्छी नहीं बन रही, ये कब हो रहा है, फ्रूट अच्छा नहीं, फ्रूट ही सड़ गया। इसको फिर अच्छा फ्रूट अब गड़बड़ हो गया, फ्रूट आपका सड़ा हुआ फ्रूट निकला या ऐसे निकला, बट उसका टेस्ट भी मैटर करता है ना, उसका टेस्ट कैसे मिलेगा, वो टेस्ट मिलेगा भाव के साथ। अब समझना कि भाव किसको बोला जा रहा है, यहाँ पर नवांश के भाव को नहीं बोल रहे हैं, जो नवांश में आपकी जो राशि जहां पर वो सप्तमेश पड़ा हुआ है ना, वो राशि आपके लग्न कुंडली में किसी भाव में होगी, वो भाव आपका टेस्ट बताएगा उसका। ये पूरा जब आपको साइकिल बताया ना, इसमें दो चीजें आपको बड़ी क्लियर हो जाएंगी यार। एक तो ये कि हर इवेंट को निकालने का ना एक तरीका है, इसको सीड की आप इसको सोचो ही आप ऐसा, एक सीड को बनाओ, एक फ्लावर बनाओ, एक फ्रूट बनाओ, एक उसका टेस्ट बनाओ। सबसे बड़ी समस्या इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि मैं कैसे जज करूं कि चंद्रमा से संबंध मेरा सही है कि गलत है। अब ये है बड़ा बेसिक क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को मैं सेशन में लेने जाऊंगा तो फिर क्वेश्चन हमारा कहीं कहीं और जाएगा। इसके लिए आपको बेसिक्स आनी चाहिए, कोई भाव कब एफ्लेक्शन में जाता है ये आप लोग को आना चाहिए, ये बहुत बेसिक्स सीखे हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम लोगों को ये आती है कि जब मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है नवमांश में आप ले जाओ वो देखो फ्रूट, तो लोग क्या करते हैं कि नवमांश कुंडली देखना शुरू कर देते हैं। नवमांश कुंडली की बात नहीं हो रही यहाँ पर, बहुत सरल स्टेटमेंट है ये, सप्तमेश को देखो, नवमांश के किस अंश में पड़ा है वो राशि आइडेंटिफाई करिए, वो राशि देखो कि लग्न में किस भाव में है, कुंडली की बात नहीं हो रही, नवमांश कुंडली के यहाँ पर अंश की बात हो रही है, उसको फिर हमको दोबारा डीवन में देखो किस भाव में, वो जो भाव है ना वो फ्रूट देखो। मान के चलते हैं कि आपका जो सेवंथ लॉर्ड है वो है मार्स, और वो मार्स जाके बैठा है एरीज अंश में, नवमांश में। अब जो एरी साइन है वो आपके जन्म कुंडली में सप्तमेश सेवंथ का लॉर्ड बन गया, वो सेवंथ हाउस जो है ना वो उसका टेस्ट है, ये पूरा साइकिल है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको ये पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया, अब मुझे आप खुद बताओ कि अगर आपको मैच मेकिंग करना होगा तो आप किसको बेस मान के करोगे यहाँ पर। आप पहला ऑप्शन हो सकता है कि आप बोलो कि नहीं मैं तो भाव को बेस मान के, अल्टीमेटली जो टेस्ट है वो तो भाव देने वाला है हाउस, मैं भाव को बेस मानता हूं वहां से मैं सारी गणना शुरू कर देता हूं। अगर वहां से मैं सारी गणना शुरू करूं तो गारंटी नहीं है ना कि भाव तो आपने देख लिया बट उससे पहले की जो फ्रूट है वो गड़बड़ निकले, तो फिर आप क्या करने की, ठीक है मैं फ्रूट से देखता हूं।
फिर आप नवांश को बेस बना के आप पूरा कुंडली मैच करोगे। फिर क्वेश्चन आता है कि नवांश को बेस बनाओगे, अपने फ्रूट तो जज कर लिया आपने, ठीक है, पर फ्रूट से पहले अगर फ्लावर ही अच्छा नहीं निकला, फ्लावर में ही अगर वो स्ट्रेंथ नहीं थी फ्रूट बनने की, फिर बोलोगे नहीं मैं लग्न को बेस मान लेता हूँ। फिर तो जब बीज ही हमारा गड़बड़ निकला, बीज में ही हमारी कोई पोटेंसी नहीं है, तो फ्लावर भी नहीं बनेगा। तो अब क्या करोगे, क्या ऑप्शन बचा आपके पास? दोबारा आपको चंद्रमा के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो रूट है, बीज है। इसीलिए जब षडबल में जब हम कहते हैं पक्ष बल, इसी बल की वजह से हर ग्रह को ना बल मिलता है, वीर्य प्रदान होता है। तो इसीलिए फिलोसफिकल स्टोरीज जो होती है ना, समझने में एक बार को अच्छा है, ठीक है, बट है ना, हमारी आजकल के ज्योतिष में इतनी विकृत बुद्धि हो चुकी है ना कि हम एक स्टेटमेंट को हम समझना नहीं चाहते, तो हम उसके लिए काउंटर स्टेटमेंट भी बना के रखते हैं अपने पास। इसलिए बेटर ये है कि फिलोसफिकल आइडियाज के अलावा भी हम लोग कुछ एस्ट्रोलॉजिकल तथ्य भी समझें। अब ये जो तथ्य जो मैं बता रहा हूँ आपको कि फ्रूट और ये मेरा तो बनाया हुआ नहीं है, ये प्रश्न तंत्र में इसका जिक्र है, भुवन दीपक में है, ज्योतिष सार में है, और दो तीन बुक्स में आपको एविडेंस आपको मिल जाए। मेरे खाली आपको तीन का रेफरेंस दे रहा हूँ। अब आप दोबारा रिकॉल करना, अभी तक आपने ज्योतिष में जो भी पढ़ा है, जहां भी चंद्रमा की इंपॉर्टेंस देते हैं ना, अब आप इस एंगल में सोचो जैसा मैं बता रहा हूँ, सीक्वेंस आप समझो। कोई भी इवेंट आप निकालोगे ना, आपको यही सीक्वेंस में आपको सोचना है, तो आपको समझ में आएगा यार चंद्रमा का इंपॉर्टेंस, लग्न का इंपॉर्टेंस, डिविजनल चार्ट का इंपॉर्टेंस, तीनों कलेक्टिवली काम कर रहे हैं यहाँ पर।